और बड़ी खबर देहरादून से भी है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। धामी सरकार ने सुशील कुमार को 3 महीने का सेवा विस्तार दे दिया है। चारधाम यात्रा को देखते हुए 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। आज रिटायर हो रहे थे सुशील कुमार और सेवा विस्तार का उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी कर दिया है। तो गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जो सेवा विस्तार दिया गया है गढ़वाल और चारधाम यात्रा को करवाने के मद्देनजर, जो सुशील कुमार के अनुभव है उसके मद्देनजर दिया गया है या फिर और भी कुछ वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, एक उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर है अवधेश, कि आज ही गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार रिटायर हो रहे थे। आज 31 मार्च है और आप देख पा रहे हैं कि धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सुशील कुमार को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया है। और ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और जिसका पूरी तरह से दिशा निर्देशन गढ़वाल कमिश्नर का उसमें होता है, आखिरकार पूरी चारधाम यात्रा गढ़वाल के जनपदों में संचालित होती है, उसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि गढ़वाल कमिश्नर को ही 3 महीने का सेवा विस्तार दे दिया जाए, जिसके चलते उत्तराखंड शासन की तरफ से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तो फिलहाल यही कारण है कि चारधाम यात्रा का जिस तरीके से संचालन हो या फिर तमाम व्यवस्था हो, उसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर पहले से ही मीटिंग और तमाम देख रेख करते रहे हैं, लेकिन आगामी अगले माह से जो चारधाम यात्रा का संचालन उत्तराखंड में होगा उसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि सुशील कुमार को ही आने वाले 3 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया जाए। तो सरकार ने इस एवज में आदेश जारी कर दिया है और उसके बाद में जिस तरह से 3 महीने का ये सेवा विस्तार है, तो ये पहला बड़ा सेवा विस्तार धामी सरकार की ओर से दिया गया है और गढ़वाल कमिश्नर सुशील। बिल्कुल शुक्रिया विनोद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। आर के विश्वकर्मा होंगे कार्यवाहक डीजीपी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आज आर के विश्वकर्मा चार संभाल लेंगे, तो ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि निवर्तमान जो कार्यवाहक डीजीपी हैं वो आज रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में नए कार्यवाहक डीजीपी के नाम की भी बात सामने आ गई है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि आर के विश्वकर्मा कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश के नए होंगे और आज ही वो चार्ज संभाल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, आज ही चार्ज संभालेंगे नए कार्यवाहक डीजीपी और आर के विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो वर्तमान जो कार्यवाहक डीजीपी है वो रिटायर हो रहे हैं आज और नए कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर आर के विश्वकर्मा का नाम सामने आ रहा है और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज ही वो चार्ज संभाल सकते हैं। बात करती बड़ी खबर की, अतीक अहमद के भाई अशरफ को बरेली लेने पहुंची प्रयागराज पुलिस। थोड़ी देर में बरेली जेल से प्रयागराज के लिए रवाना होगी पुलिस। कल प्रयागराज में अशरफ की सीजीएम कोर्ट में पेशी है। उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए कस्टडी मांगेगी पुलिस। तो ये बड़ी खबर, अशरफ को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जाएगा और प्रयागराज पुलिस बरेली पहुंच गई है। थोड़ी देर में बरेली जेल से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। कल प्रयागराज में अशरफ की सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई होगी। उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए कस्टडी मांगेगी पुलिस और अशरफ के 14 दिन का कस्टडी रिमांड पुलिस मांग सकती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो 29 तारीख को 28 को ही वापसी हुई थी बरेली जेल में, लेकिन एक बार फिर से प्रयागराज पुलिस पहुंच गई है और थोड़ी देर में बरेली जेल से प्रयागराज पुलिस रवाना होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।